हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज मैं ऑटोमेशन की सीरीज़ में आज आपको बताने वाला हूँ सिलीनियम कमांड्स के बारे में। इसका ये पार्ट वन रहेगा। यहाँ पे सिलीनियम की सारे कमांड्स मैं आपको कवर कर दूंगा। पार्ट वन, टू, थ्री, फोर ऐसे करके सारे कवर्स कर दूंगा सिलीनियम के कमांड्स। आपको ये बस वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑटोमेशन सीरीज चल रही है अभी इस टाइम पे। मैंने बहुत सारे पार्ट्स पहले ही अपलोड कर रखे हैं, उसे जाके आप देख लीजिएगा। जल्दी से बताता हूँ आपको, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बाकी की चीज़ें देखेंगे बाद में। शुरू कर लेते हैं इसको जल्दी से। सिलीनियम कमांड विद डिटेल्स पार्ट वन। सबसे पहले आपका आएगा, हाईलाइटर ले लेते हैं। सबसे पहला आएगा आपका गेट मेथड्स। गेट मेथड्स में हमारे कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं सबसे ज्यादा, वो हम देख लेते हैं, उसका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ड्राइवर डॉट गेट, ड्राइवर डॉट गेट का सबसे पहले आप यूज करते होंगे, यही जहाँ पे आप डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग देते हैं वो आपको वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देता है। तो मतलब ये चीज़ मैंने लिख भी रखी है यहाँ पे, यूज टू ओपन एन यू आर एल। जो आपने यू आर एल यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो ओपन करेगा, एंड इट विल वेट टिल द होल पेज गेट रीलोडेड। जब तक आपका पूरा पेज रीलोड नहीं हो जाता तब तक आपका ड्राइवर डॉट गेट यू आर एल जो आपका है वो, जब तक पूरा रोड नहीं हो जाता तब तक वो रहेगा वहाँ पे, मतलब उस वाले मेथड पे अटका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ड्राइवर डॉट गेट क्लास, गेट क्लास हमारा यूज होता है, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो उस ऑब्जेक्ट का अगर आपको क्लास चाहिए तो हम गेट क्लास की हेल्प से ले सकते हैं। जैसे आपने बनाया ड्राइवर, वेब ड्राइवर, ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, जैसे आपने लिखा, ये आप सबसे पहली लाइन में लिखते हैं वेब ड्राइवर, ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो आपने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो आप जब ड्राइवर डॉट गेट क्लास करेंगे तो इसके बाद आपको क्रोम ड्राइवर का मिल जाएगा इसका आउटपुट में। यहाँ पे आप सिंपल गेट क्लास के अंदर भी आपके मेथड्स होते हैं, गेट सिंपल नेम ऐसे टाइप का एक मेथड है, उसे आप यूज़ करिएगा तो आपका स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। आप ये अभी गेट क्लास करेंगे तो क्लास में आपका रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आगे वाला यूज़ कर लीजिएगा तो आपका स्ट्रिंग में रिटर्न करके क्रोम ड्राइवर आपका रिटर्न कर देगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, इसे भी पढ़ लेते हैं। द कमांड इज यूज टू ड्राइव द क्लास ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द रन टाइम क्लास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। जो भी रन टाइम पे क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका रिटर्न कर देगा इसके साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्राइवर डॉट गेट करंट यू आर एल। आपने ये वाला ये फंक्शन भी यूज़ किया होगा, गेट करंट यू आर एल। आपका यू आर एल क्या है अभी के टाइम पे, जहाँ पे आप नेविगेट कर रहे हैं उसका यू आर एल क्या है वो निकाल के हमें बता देता है गेट करंट यू आर एल। दिस कमांड रिटर्न्स द यू आर एल ऑफ द करंटली एक्टिव वेब पेज। जो आपका करंटली एक्टिव वेब पेज है ब्राउजर पे उसका यू आर एल हमें बता दो। नेक्स्ट गेट कमांड देख लेते हैं, ड्राइवर डॉट गेट पेज सोर्स। अगर आपको एच टी एम एल सोर्स कोड चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हमें यूजफुल नहीं रहता वो, हायर लेवल के एन एस सिलीनियम कोडर जो होते हैं उनके लिए यूजफुल है, बट आप ये यूज़ कर सकते हैं गेट पेज सोर्स। अगर आप शिफ्ट आई वाला भी दबाते हैं तो आपका पेज सोर्स जैसे निकल कर आता है इंस्पेक्ट करने पे, वैसे ही आपको पेज सोर्स आपको कंसोल में चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं गेट पेज सोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते होंगे, सबसे पहले आप यही इसी को वेरीफाई करवाते होंगे कि गेट टाइटल जो हमारा टाइटल है इस पेज का वो हमारा एक्सपेक्टेड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, एक्चुअल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, दिस कमांड कैन बी यूज फॉर डिस्प्लेइंग द टाइटल ऑफ द करंट वेब पेज। जो करंट वेब पेज होगा उसका टाइटल निकाल के दे देगा। ड्राइवर डॉट गेट टेक्स्ट, ये तो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, इसको तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हर चीज़ का टेक्स्ट निकालने के लिए आपको ड्राइवर डॉट गेट टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। डिलीवर द इनर टेक्स्ट ऑफ द वेब एलिमेंट, जो भी वेब एलिमेंट का इनर टेक्स्ट चाहिए उसके लिए हम ड्राइवर डॉट गेट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट्स, ये गेट एट्रीब्यूट्स हमारे यूज़ होता है। गेट एट्रीब्यूट्स कब यूज़ होता है, जैसे आपने कोई भी इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड में आपका कुछ भी वैल्यू फिल है तो उस फील्ड वाली वैल्यू को हम वैल्यू के अंदर चली जाती है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर चली जाती है, तो उसको अगर हमें फैच करना है तो गेट एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। ये ज़्यादातर हमारे टेक्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में रहता है, टेक्स्ट बॉक्स टाइप का है फॉर्म में, उसमें अगर आपने फिल किया है तो आपका आ जाएगा गेट एट्रीब्यूट के यूज से। यूज टू रिट्राइव द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सेम वही चीज़ रहती है कि आपका मल्टीपल विंडोज आपकी ओपन हो रही है, स्विच करना है आपको पेरेंट से चाइल्ड में या फिर और भी सब सिबलिंग वाले में आपको विंडो पे स्विच करना है तो गेट विंडो हैंडल और हैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं। वही चीज़ लिखा है, यूज टू टैकल विद द सिचुएशन व्हेन वी हैव मोर देन वन विंडो टू डील विथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये गेट की कमांड हो गई। अब देखते हैं लोकेटिंग लिंक्स बाय लिंक टेक्स्ट एंड पार्शियल लिंक टेक्स्ट। लिंक टेक्स्ट और पार्शियल लिंक टेक्स्ट के बारे में आपने सुना होगा। लिंक टेक्स्ट में क्या करता है, अगर जैसे ये सिंटैक्स है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट, आपने कुछ नेम दिया, पूरा यही लिंक आपका मैच करना चाहिए वेब पेज के साथ, जो भी आपका करंटली वेब पेज ओपन हो रहा है उस पर अगर ये वाली लिंक है तो उस पर क्लिक कर दो, फाइंड द एलिमेंट यूजिंग लिंक टेक्स्ट। ठीक है,
ये आपका सर्च करेगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से सर्च करता हुआ आएगा, जो भी आपको पहला मिलेगा वो क्लिक करके पहुंचा देगा। पार्शियल लिंक टेस्ट क्या करता है, अगर आपने पार्शियली दे रखा है, आपको नहीं पता कि लिंक का पूरा नेम क्या है, आपने जैसे लिंक का पूरा नेम है जैकिशन, बट आपने पार्शियली जय दे दिया, तो अगर सिर्फ यही वाला लिंक होगा जैकिशन तो तब भी यही वाला क्लिक कर देगा पार्शियल लिंक टेस्ट के हेल्प से। ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पर लिखी हुई है, फाइंड द एलिमेंट बेस्ड ऑन द सब स्ट्रिंग ऑफ द लिंक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्टिंग मल्टीपल आइटम्स इन अ ड्रॉप डाउन। कैसे मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन में, सबसे पहले हमें सिलेक्ट क्लास का यूज़ करना होता है। सिलेक्ट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू सिलेक्ट के हेल्प से, फिर इसके बाद यहाँ पे हम दे सकते हैं कि जिस सिलेक्ट क्लास की आईडी, जो भी हमने सिलेक्ट क्लास दे रखा है इंस्पेक्ट करने पे, उसकी कुछ आईडी होगी तो वो आईडी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसका देने के बाद सिलेक्ट हमारे तीन तरीके से किया जाता है, एक तो सिलेक्ट बाय वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू है उसे आप सिलेक्ट कर लेना है बाय वैल्यू के तौर पे। विजिबल टेक्स्ट जो आपको दिख रहा है वहाँ पे उसके हेल्प से लेना है, ये जैसे मैंने गेट एट्रीब्यूट्स का वैल्यू बताया था ना वही चीज़ है, विजिबल टेक्स्ट जो आपको वहाँ पे दिख रहा है उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना है, तो आप ये यूज़ करते हैं मोस्टली विजिबल टेक्स्ट के बेसिस पे यूज़ होता है ज़्यादातर। थर्ड आ जाता है हमारा इंडेक्स, आपको इंडेक्स की पोजिशन के हिसाब से सेट करना है, सिलेक्ट करना है तो आप इंडेक्स से दे सकते हैं। तो ये तीन तरीके से हम सिलेक्ट क्लास का यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन को। नेक्स्ट बात करते हैं सबमिटिंग अ फॉर्म। सबमिटिंग अ फॉर्म में हमारा सबमिट मेथड यूज़ होता है, तो जैसे ये सिंटैक्स है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई, यहाँ पे ईएम कुछ नहीं है, ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसे, बाई आईडी सबमिट, फिर इसके बाद सबमिट वाला मेथड। अगर आपकी आईडी जैसे सबमिट है और उसमें आपने सबमिट वाला मेथड लगाया, तो ये मेनली सबमिट हमारा फॉर्म में यूज़ होता है। कोई भी आपने फॉर्म बनाया, जैसे आप देखते होंगे कॉन्टैक्टर्स का फॉर्म हो गया, गूगल का फॉर्म हो गया, फेसबुक का फॉर्म हो गया, साइनअप के लिए फॉर्म हो गया, तो जब भी फॉर्म क्लास के अंदर आपका रहेगा तो आपका सबमिट यूज़ होगा। फॉर्म क्लास से अगर बाहर होगा तो वो आपका सबमिट वहाँ पे मेथड यूज़ नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका रिप्लेस कर सकते हैं क्लिक के हेल्प से भी, आप क्लिक वाला भी यूज़ कर लेंगे तब भी आपका वही चीज़ काम करेगा। क्लिक आपका हर जगह यूज़ होता है, सबमिट आपका सिर्फ फॉर्म के साथ यूज़ होगा। जैसे मैंने एक लिख रखा है एग्जांपल, फेसबुक पे जाइएगा, ईमेल आपने किया, सेंड कीज किया, कुछ ईमेल डाला, फिर इसके बाद आपने कुछ पासवर्ड डाला, ये एक फॉर्म पेज है, तो आपका यहाँ पे सबमिट वाला मेथड चल जाएगा। अगर आपको लॉगिन करना है तो आप क्लिक से है ना, क्लिक करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपको कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सबमिट कर देगा इसी आईडी के साथ ही। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया मैंने इतनी चीज़ें थी, अब बाकी के देखेंगे हम आगे वाले वीडियो पे। अब पार्ट टू जल्दी आने वाला है, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा यार, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।